आज हम बनाएंगे ये टेस्टी शरबत। ये शरबत जल्दी बन जाता है। आज की रेसिपी है कस्टर्ड और ड्राई फ्रूट का शरबत। सबसे पहले शरबत का प्री मिक्स बनाएंगे। इसके लिए मिक्सी जार में डालें 1 कप चीनी, 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर, यह वेनिला फ्लेवर का है। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। इसमें डालेंगे 4 इलायची, 10 से 12 बादाम, 15 से 20 काजू, 1/12 चम्मच मगज। मैंने यहाँ सब थोड़े थोड़े डाले, आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट डालें। सब कुछ डालने के बाद अब इसका एक पाउडर तैयार करेंगे। पाउडर तैयार हो चुका है, अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस पाउडर में डालेंगे 1/12 चम्मच काटा हुआ बादाम, 1/12 चम्मच काजू। काजू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। अब इसमें डालेंगे केसर के 10 से 12 धागे। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप ना डालें। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें तो हमारा प्री मिक्स तैयार है। इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में रखें। मैं आपको थोड़ा सा शरबत बना के दिखाती हूँ। एक कटोरे में 5/12 चम्मच दूध लेंगे। इसमें डालेंगे हम 3/12 चम्मच प्री मिक्स जो हमने तैयार किया था। ध्यान रखें दूध गर्म ना हो। तो चलिए इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसे साइड में रख देते हैं। एक कढ़ाई में डालेंगे दूध। मैंने यहाँ 2 कप दूध का इस्तेमाल किया है। हमें दूध में उबाल लाना है। दूध को बीच में चलाते रहे ताकि वो चिपके नहीं। तो देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब गैस को धीमी कर देते हैं। इसे एक बार चला लें। इसमें डालेंगे जो हमने मिश्रण तैयार किया था। इसे एक बार चला लें। अब इसे दूध में डाल देंगे। इसमें अलग से कोई चीनी नहीं डालनी है। इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएं तब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। ये हल्का गाढ़ा हो चुका है। अब गैस को बंद कर देते हैं। इसे बाउल में डाल देते हैं। इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। ये ठंडा हो चुका है। देखिए इसके ऊपर मलाई जम चुकी है। इसे एक बार चला लें और फिर इसमें बर्फ़ डालें। इसमें 5 से 6 बर्फ़ डालें। इसे अच्छे से मिला लें। तो हमारा ये टेस्टी शरबत तैयार है। इसे आप होली या कोई भी त्यौहार में बना सकते हैं। तो चलिए इसे ग्लास में डाल लेते हैं। तो देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इसे सजाएंगे ड्राई फ्रूट से। मैं इसे सजा रही हूँ टूटी फ्रूटी कटे हुए बादाम और केसर के धागों से। इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।